Okay, hi everyone. So, आज हमें HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है. That is question number 7. So, it says the screen is placed at a distance 40 cm away from an illuminated object. A converging lens is placed between the source and the screen and it is attempted to form the image of the source on the screen. If no position could be found, the focal length of the lens. Fine. So, देखो ये काफी standard सा question है. ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है, इसको हम कहते हैं यूवी एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. इस एक्सपेरिमेंट से हम एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट भी करते हैं. इस मेथड का नाम है यूवी मेथड, राइट. इस एक्सपेरिमेंट का नाम है. सो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यू कैन से एक सोर्स है एंड आपके पास एक स्क्रीन है, राइट. ये आपके पास क्या है, ये स्क्रीन है और ये आपके पास सोर्स है एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स होती है. लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज कैपिटल डी. नाउ हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, एंड उसे हम इस सोर्स और स्क्रीन के बीच में रखते हैं इस तरह से. ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है वो है एफ एंड इस लेंस को हम सोर्स और स्क्रीन के बीच में मूव कर सकते हैं. हम इस तरह से इस लेंस को मूव करते हैं सो दैट इस सोर्स की जो इमेज है वो इस स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए. सो अगर इस सोर्स की जो इमेज है वो हमें इस स्क्रीन पे मिल जाती है देन कुछ इस तरह से बनेगा केस, राइट. जो सोर्स है उसकी जो इमेज है आपको स्क्रीन पे मिल जाती है. सो लेट्स से इस पर्टिकुलर केस में जो डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स एंड द लेंस ये डिस्टेंस है एक्स और लेंस और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है वाई. सो एक चीज तो क्लियर है कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल डी के बराबर होगी, राइट. आपके पास दो वेरिएबल है ना, एक्स नहीं पता और वाई नहीं पता. सो एक्स प्लस वाई ये होगा कैपिटल डी के बराबर. और दूसरी इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, आप देखो जो लेंस फॉर्मूला है यहाँ पे u की वैल्यू होगी माइनस एक्स. आपका जो ऑब्जेक्ट है ना सोर्स, उसका जो डिस्टेंस है लेंस से वो है x और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है. सो u का वैल्यू होगा माइनस एक्स और जो v का वैल्यू होगा दैट विल बी y और ये पॉजिटिव होगा बिकॉज ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट. साइन कन्वेंशन आता है आपको. सो अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ. सो वैल्यूज पुट करो, v की जगह आप पुट करोगे y और u की जगह पुट करोगे माइनस एक्स. सो v की जगह y, u की जगह माइनस एक्स, f की जगह f डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x प्लस f. सो ये y की वैल्यू है. देखो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है और वेरिएबल्स भी दो हैं x और y. सो एक काम करते हैं, y की जो वैल्यू है उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ x प्लस एफ दैट इज इक्वल टू कैपिटल D, राइट, कैपिटल D. सो इसको सॉल्व करो, ये x है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है. सो LCM लेना पड़ेगा, x इंटू माइनस ऑफ x प्लस एफ माइनस ऑफ x एफ डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ x प्लस एफ That is capital D. So अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एफ माइनस ऑफ एक्स एफ इज इक्वल टू, इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, डी इंटू माइनस ऑफ एक्स प्लस एफ. सो देखो ये कैंसल हो गया एक्स एफ और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा. सो यहाँ पे बचेगा जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस डी इंटू एक्स प्लस डी इंटू एफ. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है. आप देखो x की हमें दो वैल्यूज मिल सकती हैं. x की दो वैल्यूज आपको कब मिलेगी, x की दो वैल्यूज मिलेगी अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे. दो रूट्स कब होंगे, जब इसका जो डिटरमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होगा. डिटरमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट. सो बी स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू वन और सी का वैल्यू है डी इंटू एफ. अगर ये ग्रेटर देन जीरो है देन x के दो वैल्यूज मिलेंगे. अगर आपका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो है देन एक वैल्यू मिलेगा, x का वन वैल्यू मिलेगा, एक सिंगल वैल्यू. अगर जो डिटरमिनेंट है
फोर इंटू डी इंटू एफ वो इक्वल टू जीरो है, और कोई भी रूट नहीं मिलेगा x की, नो वैल्यू अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो लेस देन जीरो है, बेसिकली डी स्क्वायर माइनस फोर इंटू डी इंटू एफ इज लेस देन जीरो। सो आप देखो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं मिलती है जहां पे आप इमेज बना सकते हो। सो आप कह सकते हो कि x की हमें कोई भी वैल्यू वैलिड या फिर कोई भी ऐसी यू नो वैलिड वैल्यू नहीं मिली है जिसके लिए आपका जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन जाए। यू कैन रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ नो पोजिशन कुड बी फाउंड, मीन्स x की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। सो आपका ये वाला केस है डी स्क्वायर माइनस फोर इंटू डी इंटू एफ इज लेस देन जीरो। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे सो डी स्क्वायर माइनस फोर इंटू डी इंटू एफ इज लेस देन जीरो, यहाँ से डी कॉमन हो गया, सो डी माइनस फोर एफ इज लेस देन जीरो। अब देखो डी तो पॉजिटिव है राइट, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। सो इसको डिवाइड में भेज सकते हो, इट मीन्स डी माइनस फोर एफ इज लेस देन जीरो, और यू कैन से डी इज लेसर देन फोर एफ, और यू कैन सी कि जो डी बाय फोर है वो लेस है एफ से। सो इस केस में आपको जो डी की वैल्यू दे रखी है वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है। सो डी की वैल्यू आप 40 सेंटीमीटर पुट करोगे सो डी बाय फोर विल बी 10 सेंटीमीटर इज लेस देन एफ, सो जो फोकल लेंथ है वो ग्रेटर है 10 सेंटीमीटर से। सो अब देखो जो फोकल लेंथ है मस्ट बी लेस देन 10 सेंटीमीटर, नो, मस्ट बी ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, यस, मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, ओके, सो सी और डी गलत है, सो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में आपको याद भी क्या रखना होता है कि अगर आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं राइट, देन डी तो कॉमन है, सेम इक्वेशन यहाँ तक आएगी, लेस देन जीरो की जगह अगर आपको दो वैल्यूज चाहिए सो डी माइनस फोर एफ का ही सारा खेल है आपका। अगर डी माइनस फोर एफ राइट, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है देन आपको दो वैलिड पोजिशन मिलेगी। बेसिकली आप लेंस को, लेंस की दो पोजिशन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो जहाँ पे रखने पे जो इमेज बनेगी सोर्स की वो स्क्रीन पे बनेगी, और इस केस में आपका जो डी है दैट इज ग्रेटर देन फोर एफ राइट। कई बार ये पूछ लेता है कि कंडीशन बताओ जिसके लिए दो पोजिशन पॉसिबल है, सो दिस इज द केस, डी शुड बी ग्रेटर देन फोर एफ राइट। आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन वो ज़्यादा होना चाहिए फोर टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ से, तभी हमें दो ऐसी पोजीशन मिलेगी लेंस के लिए जहाँ पे अगर हम लेंस को रखते हैं देन सोर्स की जो इमेज है वो स्क्रीन पे बनेगी। सो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, डी इज ग्रेटर देन फोर एफ है ना, दो पोजीशन के लिए। अगर डी की वैल्यू लेस देन फोर एफ होगी तो कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी, बेसिकली आप सोर्स की इमेज स्क्रीन पे नहीं ले सकते, आप लेंस को कितना भी यू नो शिफ्ट कर लो, और सिंगल इमेज के लिए डी की जो वैल्यू है वो 4f के बराबर है। सो ये सिंपल है, 4f और d को याद रखो किस तरह से हम कंपेयर करते हैं। थिंक यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।